आज ईद का दोस्तों दूसरा दिन है और आज हमारे इलाके में ना बारिश हो रही है। बहुत ज्यादा गर्मी थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज बारिश हो गई है। शायन यार ज्यादा गीले नहीं होते यार, चेंज करने पड़ेंगे। फिर आज अंदर आ जाओ। वालेकुम सलाम। आज आज जल्दी हो, जल्दी हो, आनो नहीं हो। तेज आ गई बारिश, देख रहे हो यार, काफी तेज आ रही है बारिश। मिनी जू में चल लेते हैं, उधर कोई मसला तो ना। सब सेव लग रहा है, मोर इधर आए हुए हैं, मुर्गी भी इधर बैठी हुई है, जैक और बीजी भी बिल्कुल सेव है क्योंकि ऊपर छप्पर दी थी, और यहाँ पर बकरे भी हमारे बिल्कुल सेव हैं। देखे कोने में बैठी हुई हैं, आराम से यहाँ पर सेव हैं ये। ओहो बारिश तेज आ गया, चाचू चले आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फिर आते हैं थोड़ी देर तक। ओके आ जाओ चाचू, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? सुबह तो यार बारिश हो रही थी लेकिन फिर अब सूरज निकल आया है। तकरीबन एक घंटा मौसम अच्छा रहा है, उसके बाद ना बारिश आ चुकी है। और पता है दोस्तों, आज ऐश ने फिर एक बहुत गंदी हरकत की है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी जो गोल्डन बफ मुर्गी है ना, उसके ऊपर किया इसने हमला। शुक्र है बच गई यार हमारी गोल्डन बफ मुर्गी को, कुछ नहीं हुआ, बस पर ही निकले हैं। ऐश बड़ा यार अजीब है, इसको खाना अभी थोड़ी देर पहले ही दिया है लेकिन इसने फिर भी हमला कर दिया। पता नहीं इसकी नेचर को क्या है, ये क्यों इतना अट्रैक्ट होता है बाकी परिंदों पर, बाकी जानवरों पर। हमारी फियोना बहुत प्यारी है माशाल्लाह, ये कुछ नहीं करती। तो अभी दोस्तों पता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं मार्केट, ईद का दूसरा दिन है, देखते हैं मार्केट जाकर ना, क्योंकि कुछ चीज़ें लेनी थी वो भी हम ले लेंगे और मार्केट का विजिट भी कर लेंगे। तो चलें दोस्तों चलते हैं। आ जाओ भाई आ जाओ खाने, थोड़ी देर पहले यार मैंने इनको दिया था तो मैं कह रहा हूँ यार थोड़ा सा और भी दे देता हूँ, थोड़ा दिया था उस टाइम, नहीं उस टाइम मुझे काटा था तुमने, अभी इधर आके मैं आराम से रख रहा हूँ। ठीक है आ जाओ तुम, ये एक दो तीन, ठीक है तुम बस खुदाई में लग रहे ना, वो खा पी के मोटी हो जाएगी। क्या लें सितैन आज? मुझे क्या पता, जो तुम्हारा दिल करे भाई। यार आज ईद है ना, हाँ। क्या पता मार्केट में प्यारे प्यारे परिंदे आए हुए हों ईद की वजह से। अच्छा वो शॉप वाले लेकर आते हैं ना, ये बच्चे बच्चे आएंगे लेने के लिए, चलो इस वजह से कह रहा हूँ मैं। नए परिंदे देखते हैं अभी, फिर अल्लाह करेगा यार कुछ मिल जाएगा। चलो चलो सही है। तो अभी दोस्तों हम जा रहे हैं मार्केट। अंदर चलो अंदर भाई, बहुत ज्यादा रश है ईद की वजह से ना, चलते हैं अंदर, अंदर चलते हैं। ईद के टाइम पे पता है सबसे ज्यादा क्या बिकता है यहाँ पे? कबूतर। क्यों? बहुत ज्यादा कबूतर लेने आते हैं, याद है हम ईद पे लेते थे यार बचपन में, भूल गए हो इसलिए बोल रहा हूँ। अच्छा सिर्फ बाहर बाहर से रश था, यहाँ पे खाली है, बंद है, बंद है। हम सब रहे थे बहुत ज्यादा रश होगा लेकिन शुरू शुरू में था जहाँ पे कबूतर थे, जैसे मैंने तुम्हें बोला है यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चलो 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 यार, तकरीबन सारी मार्केट हम घूम चुके हैं, यहाँ पर अक्सर दुकानें बंद हैं और कोई नया परिंदा भी नहीं आया हुआ। हम समझ रहे थे कोई नई चीज़ हम देख लेंगे लेकिन कुछ उड़ने वाला हाथी चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? नया परिंदा कुछ नहीं मिला क्या? कुछ तो ले लें हम, कुछ है ही नहीं, क्या लें? बिल्ली ले लें, बिल्ली नहीं, बिल्ली नहीं। ये देखो भूख से मर तो नहीं जाएगी, दुकान बंद है, पता नहीं कब आएंगे, कल आएंगे। दुकान बंद नहीं है, ये क्या देख रहे हो, गोश्त पड़ा है ना, तो फिर दूध भी पड़ा इधर। हाँ सही है, आ जाओ। फिर वहाँ से ना हम इस साइड पर आ गए, यहाँ पर ना मैं कबूतरों की कुछ चीज़ें मिली हैं कबूतरों के लिए यूज़ में आती हैं, ये आपको पता होगा किस काम आते हैं। दिखाओ तो सही यार, ये शटल रैकेट है क्या है ये? ये वो है पकड़ने के लिए ना, जो हमारे जंगली नहीं हो गए कबूतर, हाँ। दो अभी तक आके बैठते हैं, हाँ तो उनके काम है, हाँ। उसको पकड़ते हैं जाके ना। ओके करो सही है, डन। ओके डन, और कुछ लेना तो ले लो, बहुत चीजें यहाँ पे, टोकरी भी है इसमें भी काम आएगा, और ये देखो चूड़ियाँ वगैरह भी है कबूतरों की। तुम पहन लो अपने पैरों में, ये मेरे इतने छोटे पैर है नहीं तो पहन लेता। यार हमने बहुत ही अहम चीज ले ली है, इससे हमारी जिंदगी सफर जाएगी यार, हमारे काम आसान हो जाएंगे ना इससे। अच्छा अच्छा हाँ, ये रख रहा हूँ पीछे है, हाँ तुम इसको संभालना सही है, संभाल के रखूंगा, सोने का है ना, संभालना। चलो बैठो। इस दोस्के से दोस्तों ना सिर्फ हम कबूतर पकड़ेंगे, हम अपने मोरों को भी पकड़ सकते हैं, हम अपनी मुर्गियों को, जो भी मतलब हमें तंग कर रहा होगा भाग रहे हो। अच्छा सिप्तान इधर हो, बात सुनो, अभी मुझे याद आ रहा है, जल्दी इधर आओ यार, जो हमारी चील नहीं थी तुमने ऊपर नहीं छोड़ी थी ना, या ऊपर छोड़ दी?
फिर वो उड़ गई है भाई। इधर अभी याद आ रहा है मुझे, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। एक चील यार इस गली में बैठी थी, फिर मेरे जहन में आया पता नहीं हमारी है किसी की, वो बिल्कुल ठीक बैठी थी, तो मुझे शक थोड़ा सा हुआ, मुझे नजर नहीं आई ना, देखो भाई हमारी है यार, हमारी क्यों उड़ेगी यार, अगर बैठी हुई होगी तो समझो हमारी है, अगर नहीं बैठी हुई तो समझो उड़ गई है। फिर ये यहाँ पर वो बैठी है, तो देख लिया है ना, एक मिनट इसे पकड़ते हैं दोस्त, कैसे ये उड़ जाएगी, क्योंकि उड़ती है यार इतना दूर आई हुई। नहीं नहीं वही है, पकड़ो, वहां पर बैठी है दोस्तों, वो थोड़ा तरीके से हो गई गई ओ भाई, ये भाई मुझे तो अपनी लग रही है यार, तुराप हट जाओ। तो यार हमने अपनी चील को ना रेस्क्यू कर लिया है, क्योंकि ये यहाँ पर अकेली रहती थी, बच्चा ही है छोटा सा, तो इसको नुकसान पहुंच सकता था, तो इसको हमने रेस्क्यू कर लिया। अब ना इसको वापस छत पर लेकर जाते हैं और इसको वहां पर छोड़ देते हैं। चलो इसको सीधे म्यूजियम में ही छोड़ते हैं, छत से छलांग मार देती है भाई, जाओ भाई जाओ 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 शाबाश। बस एक कुछ दिनों बाद मुझे लगता है उड़ना सीख जाएगी और ये खुद ब खुद अपने आप को सरवाइव करवा लेगी। बहुत डरपोक है यार, डर के छुप जाती है। फिर अभी मैं क्या करता हूँ, इसके साथ कबूतर को पकड़ने की कोशिश करता हूँ, जो हमारे जंगली नहीं है एक दो अभी भी ऊपर रहते हैं, तो उनको पकड़ता हूँ इससे और देखता हूँ है कि नहीं बैठा भी है या नहीं बैठा। नजर नहीं आ रहा, वैसे यहाँ पर बैठे होते हैं लेकिन अभी नहीं है। अभी ना मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ ऐसे। यार हमारी डक्स पता नहीं कब नहाती हैं, लेकिन जब भी नहाती हैं ना सारा का सारा पानी ना बाहर फेंक देती हैं, नहाती इतनी जोर जोर से है ना सारा पानी, ये तो सारी शर्त को ना गीला किया हुआ इन्होंने, इतना जोर से ये नहाती हैं ना, आपको मैं क्या बताऊं। अभी देखें इसलिए वाइट वाइट हो रही है, ज्यादा नहाया ना इन्होंने, वाइट वाइट हो गई है इसलिए। दो दिन के अंदर अंदर ना कलक रहेंगे और इसमें पौधे शौधे लगा लेंगे, बस ईद की वजह से ना सारे बंद है ना शॉप्स वगैरह, इसलिए हम नहीं कर पा रहे, तो इंशाल्लाह ये काम करना है बहुत जल्द और बहुत जरूरी है ये काम करना। ठीक है अभी डक्स तुम्हारा घर बनने वाला है प्यारा प्यारा, बल्कि नहीं और डक्स का नहीं, यहाँ तो हमने मछलियाँ रखने में भूल गया, डक्स और मछलियों को एक साथ नहीं रख सकते, तो डक्स का और बंदोबस्त करना पड़ेगा, मछलियाँ आएंगी यहाँ पर भी, मछलियाँ भूल गया था मैं सॉरी। ये जो आप जगह देख रहे हैं ना यहाँ पर हमारी बकरियाँ वापस आएंगी, नीचे वाली बकरियाँ मिनी जू वाली भी यहाँ पर आएंगी और हमारी न्यू बकरियाँ वगैरह भी आएंगे ना, तो आपने जैसे कल कहा था कि हम लाएंगे न्यू बकरे वगैरह दुम्बे वगैरह, तो वो यहाँ पर रहेंगे और यहाँ पर भी रौनकें लग जाएंगी, बहुत प्यारे लगेंगे यहाँ पर बकरे हमारे। पता नहीं यार तो आपने इनको खाना दिया है कि नहीं दिया, मैंने पूछा नहीं उससे, लेकिन फिर भी मैं ना डाल देता हूँ, क्या पता ये खा लें, खा रहे हैं इसका मतलब इन्होंने नहीं खाया, मैं दे देता हूँ ऐसे। आ भाई आ जाओ, ये लो चलो खाओ खाओ खाओ। यार मास्टर गेज के अंदर ना खरगोश आ गया, पता नहीं कैसे आ गया, इधर आएगा तो पौधे वगैरह खराब करेगा, पता नहीं मेरे ख्याल में ना इस सुराख से आया होगा, ये पतला सा सुराख है यहाँ से, पता नहीं कैसे आया, मैं ना इसको निकाल लेता हूँ यहाँ से, ये देखो मुर्गियाँ भी आने लगी। खरगोश भाई जाओ यहाँ से, जाओ 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 चलो, शाबाश, कहाँ हो, चलो भागो 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 भागो, उस गेट से जाओ जहाँ से पता नहीं आए कैसे हो, गेट तो बंद होता है हमेशा। भाई क्या चाहते हो तुम, ओ भाई बहुत तेज है यार, पकड़ना ही पड़ेगा तुम्हें। अरे यार क्या करते हो यार तुम भी, क्या यार आगे पीछे घुमाई जा रहे हो मुझे, अच्छा यहाँ से आया था ये ही ना, पता चल गया, अब इसको ऐसे कर देता हूँ ना, अब नहीं आ पाएगा, चलो अपनी जगह पे जाओ शाबाश। अगर ये मास्टर केज के अंदर रहता ना तो हमें पता ना चलता यार कि कहाँ पर है, और ये भूखा भी मर सकता था, प्यास भी लग सकती, इसको धूप आ जाती ना दिन में, तो शुक्र है मैंने देख लिया और इसको ना मैंने बाहर निकाल दिया। तो रात हो चुकी है दोस्तों, हमने सारे परिंदों को बाहर खोल लिया है, सारे ना यहाँ पर रहेंगे, अब सुबह फिर शिफ्ट कर देंगे अंदर को। और आज पता है क्या हब्स भी नहीं है, हवा भी चल रही है। हाँ वो तो है, शुक्र है बारिश जो हुई थी भाई, कितना तेज बारिश हुई थी। और ऐश और फ्योना को यार हम थोड़ी देर तक खाना दे देंगे, अभी ऐश और फ्योना का रेस्ट का टाइम है, थोड़ी देर तक दे देंगे भाई खाना, अभी रेस्ट करो इजी रहो ओके। हाँ तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और हमारे चैनल शहर में देहात को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ये देखो आज भी ऊपर बैठे भाई सिपी, बस ये पक्का हो गया फुल, अब कहीं नहीं जाता ये, कन्फर्म है ये। यार गंजी मुर्गी का देखे अंडे कितना बचे हुए हैं, बाकी क्या खा रही है वो, हाँ खा रही है, तुम्हें नहीं पता कितने खा लिए, तीन खा लिए हैं इसने सही में तो, हाँ मैंने देखा था ना।